एक महिला अपने पति को ऑनलाइन में बेचना चाहती है और सारा काला धन स्विस बैंक में ही क्यों जमा होता है, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक मगरमच्छ कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, बल्कि उनका शरीर हमेशा जवान रहता है, चाहे वह मगरमच्छ 7 वर्ष का हो या 70 वर्ष का, इनका शरीर एक ही जैसा होता है। इनकी मौत ज्यादातर किसी बीमारी या खाने की कमी की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एक लेडी अपने हस्बैंड को ऑनलाइन में बेचने के लिए विज्ञापन दे डाला। दरअसल इस लेडी का नाम है लिंडा मैकलिस्टर और इनके पति जॉन। असल में जॉन को घूमने फिरने का शौक है और जॉन बिना बताए अपनी पत्नी को कहीं भी घूमने के लिए चला जाता था और उनकी पत्नी इनके घूमने की आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, तो इन्होंने गुस्से में अपने ही पति को ऑनलाइन साइट में बेचने के लिए विज्ञापन दे डाली। और मजे की बात तो ये है कि इनके पति को खरीदने के लिए 12 महिलाओं ने भी इंटरेस्ट दिखाया। फैक्ट नंबर 3, यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ब्रिटेन के लड़के को मास्क उतारना इतना भारी पड़ गया कि उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लग गया। दरअसल इस लड़के का नाम है क्रिस्टोफर ओटूल और ये लड़का लंबे समय से मास्क को लगाए रखा था, लेकिन कुछ 16 सेकंड के लिए ये अपने मास्क को उतार दिया और पुलिस वालों की नजर इस लड़के पर पड़ी और उन्होंने उनका नाम नोट कर चले गए। फिर कुछ दिन बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से इनको 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उस लड़के ने जुर्माना न भरकर अपने सफाई फेस करना चाहा, तो कुछ दिन बाद फिर वहां की गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर 2,00,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपने कोई भी प्रोडक्ट कितने टाइम लॉन्च करती है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। दरअसल एप्पल अपनी कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वह टाइम होता है 9:41, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने एप्पल की फर्स्ट आईफोन 2007 में 9:41 में लॉन्च की थी, इसलिए आज भी एप्पल की सभी प्रोडक्ट इसी टाइम में लॉन्च होती है। अगर यह जानकारी आपको पहले से ही पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है बड़े व्यापारी लोग जो है अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों जमा करते हैं? दरअसल स्विस बैंक में जब भी कोई अकाउंट खुलवाता है तो उस व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ा नहीं होता, बल्कि उसे एक नंबर दिया जाता है और उसकी पहचान सार्वजनिक करना स्विट्जरलैंड के कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध होता है। यही कारण है कि लोग वहां अपना काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं।